नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर देर शाम की खबरों पर। गुराड़िया माना पंचायत समिति के ग्राम मालीखेड़ा में चल रही माली समाज की शादी गुरुवार सुबह मातम में बदल गई। बुधवार को बारात लेकर रवाना हुई वैन गुरुवार सुबह 7 बजे कोटा मंडाना हाईवे रोड पर लौटते समय एक खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते मालीखेड़ा निवासी छोगा लाल माली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक घायलों को कोटा हॉस्पिटल रेफर करना पड़ा। मृतक के परिजन अर्जुन सैनी ने बताया कि घायल व्यक्तियों में केदार सैनी, मोहनलाल सैनी, घनश्याम सैनी सहित दूल्हे के पिता रमेश सैनी व फूफा गोवर्धन लाल सैनी शामिल हैं। भवानी मंडी में नेत्रदान के संकल्प को नागरिक परोपकार के साथ साथ लोग श्रद्धा भावना के रूप में भी लेने लगे हैं। इसी क्रम में आज ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन भवानी मंडी के कोषाध्यक्ष गोविंद वशिष्ठ तथा आपकी धर्मपत्नी मीनाक्षी वशिष्ठ दोनों ने अपने विवाह की 17वीं वर्षगांठ पर संयुक्त नेत्रदान का संकल्प करके प्रेरणास्पद कार्य किया है। भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी एम शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि अनाज मंडी के प्रमुख व्यवसायी गोविंद वशिष्ठ और मीनाक्षी वशिष्ठ दोनों पति पत्नी ने ऑफिस आकर नेत्रदान का संकल्प किया और आगे भी और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने की बात कही। भवानी मंडी कृषि मंडी में नई सीजन की मसूर की पहली बार आवक हुई। मसूर प्रेम इंटरप्राइजेस में 6752 रुपये बिकी। लेवाल में ओमजी शर्मा, परमजीत सिंह जी, यश गुप्ता आदि व्यापारियों ने खरीदी बोली लगाई। ये जानकारी व्यापारी प्रदीप जैन ने बताई। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में भवानी मंडी जिले के पचपाड़ प्रखंड में लालडा मोल्डा गांव में रोड सिंह की अध्यक्षता में संत रविदास जयंती मनाई। मुख्य वक्ता बालू सिंह चौहान, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष एवं विष्णु शर्मा, विजय सिंह प्रखंड संयोजक, समरस सिंह प्रखंड अध्यक्ष एवं ग्राम मोल्डा की विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की समिति के साथ बड़ी धूमधाम से संत श्री रविदास जयंती मनाई। संत रविदास जी की किए हुए समाज के कार्यों पर प्रकाश डाला और मेवाड़ की महारानी मीराबाई संत रविदास जी की शिष्या बनी। संत रविदास जी के द्वारा किए गए समाज हित के कार्य, भगवान के प्रति लगन एवं भगवान में मनुष्यों का कैसे मन लगे, संत जी ने समाज को सतमार्ग पर लाया। चौमेला गंजर समुदाय के उत्थान के लिए अरनिया गंजर डेरा समुदाय के लिए उपखंड अधिकारी रामोतार मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपखंड के सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में कंजर समुदाय के विकास में आ रही समस्याओं पर विचार किया गया व कंजर समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ उनको धरातल पर मिल सके, इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई। डग विधानसभा के अंतिम छोर से अवैध रूप से लालसोट दोसा राजस्थान थाने वहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर ले जाई जा रही अवैध लकड़ी से भरे ट्राले को डक रेंजर दीपेश चौधरी की टीम ने पकड़ कर मामला दर्ज किया। डक रेंज अधिकारी दीपेश चौधरी ने बताया कि कल शाम डक के समीप टोल नाके के पास दौरान गश्त के हमारी टीम ने एक ट्रक को त्रिपाल से ढके देखा और संदेह होने पर चेक किया एवं ड्राइवर से पूछने पर उसने चिराई की लकड़ी होना बताया, किंतु त्रिपाल हटा के जब टीम ने देखा तो उसमें जंगल से बबूल की अवैध रूप से कटाई हुई लकड़ी से भरा हुआ पूरा ट्राला पाया गया। ड्राइवर सहित ट्राले को रेंज विभाग में लाकर खड़ा करवाया। ड्राइवर ने अपना नाम मुकेश सैनी, पिता नाना ग्राम लालसोट दोसा का होना बताया, जिससे अनुसंधान जारी है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट विभाग समय समय पर जागरूक रहे तो जंगल को काटने से बचाया जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के नेतृत्व में बगारिया पुलिस ने की कार्रवाई। संगठित अपराधों व अवैध रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एक दर्जन चोरी के वांछित फरार आरोपी रंजीत पुत्र नारायण सिंह को बगारिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बगारिया पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट केंद्रीय कारागृह कोटा से किया गिरफ्तार। पूछताछ में और भी कुछ जानकारियों का खुलासा हो सकता है। पुलिस टीम में थाना अधिकारी राम प्रसाद सहरिया व पुलिस टीम रही मौजूद। झालावाड़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉक्टर जी एम सैयद ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कार्यालय द्वारा झालरा पाटन के ऋतिक जैन पुत्र सुनील कुमार जैन को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4 वर्ष के बीए कोर्स के लिए अध्ययन हेतु 3,60,844 रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 90,211 रुपये प्रथम किस्त के रूप में जारी किए गए थे। लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 29 जनवरी 2020 को हो जाने के कारण कार्यालय द्वारा मृतक ऋतिक की जीवन बीमा पॉलिसी क्लेम किया गया था।
जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा मृतक के पिता को बीमा राशि के क्लेम में से ऋण राशि काटकर 4,23,735 रुपये का चेक प्रदान किया गया। झालावाड़ जिले के बेहतर प्रबंधन विकास कार्यों को बेहतर गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि झालावाड़ कृषि प्रधान जिला होने के पश्चात भी यहाँ के किसान खुशहाल नहीं हैं। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर लघु कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी उपखंड एवं विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को स्थानीय स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। रुद्रसेना गो सेवा टीम को सूचना मिली कि दिनांक 17 फरवरी 2022 को 12 रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नंदी घायल हो गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही देरी न करते हुए रुद्रसेना गो सेवा टीम के ग्राम प्रचार मंत्री बनवारी माली वन्य कार्यकर्ता पहुंचकर गोवंश को रेस्क्यू कर पशु रोग विशेषज्ञ द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, वे पट्टा चढ़ाया गया। रुद्रसेना राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री गो सेवक लक्ष्मण सिंह सैनी ने वाहन चालकों से निवेदन करते हुए कहा कि निराश्रित हीन गोवंश को बचाने के लिए सभी वाहन चालक अपने वाहन को धीरे चलाएं ताकि स्वयं भी सुरक्षित रहें। कामखेड़ा पुलिस के चोर के साथ मारपीट करने व उसके बाल काटकर उसे अपमानित करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ नामजद व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 13 फरवरी रात्रि को थाना क्षेत्र के बम्बुलिया गांव में राम जानकी मंदिर पर चोरी करते हुए ग्रामीणों ने सुखनेर निवासी राधेश्याम नागर पुत्र रामचंद्र को पकड़ा था। इसके बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा चोर के साथ मारपीट की व उसके सर के बाल काटे। पूरा वाक्या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोथाना में राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय व्यक्तिगत शिविर शुरू हुआ, जिसमें प्रधानाध्यापक शरण कुमार मेहरा ने बताया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से संबंधित 10वीं 12वीं के स्ट्रीम 1 के पंजीकृत 286 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर में 14 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रायोगिक विषयों से संबंधित प्रयोग करवाए जा रहे हैं। सैद्धांतिक विषयों के शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निवारण कराया जा रहा है। शिविर प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। शिविर प्रभारी दीपक लोधी ने बताया कि शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के प्रमुख उपस्थिति के आधार पर सत्रांक जोड़े जाएंगे। खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर की 104 और 108 का निरीक्षण किया गया। खानपुर ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर पिंकेश भावसा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 104 की PCR पूर्ण नहीं पाई गई और डीजल के अभाव में 104 गाड़ी 2 दिन तक खड़ी रही। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। पनवाड़ पखराना गांव हनुमान मंदिर में बरसाना के विश्व प्रसिद्ध संत श्री नरसिंहदास जी महाराज द्वारा संगीत में नरसिंह चरित कथा का वाचन प्रारंभ किया गया। कथा के प्रथम दिवस पर महाराज द्वारा ठाकुर जी पूजा कर कथा का वाचन प्रारंभ किया। आयोजन समिति के सदस्य धनराज मेहता ने बताया कि महाराज ने आज हमारे जीवन गोमाता का महत्व बताया। कथा में ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास से भाग लिया। पनवाड़ खानपुर उपखंड में बिजली विभाग द्वारा किसानों खेतों से ट्रांसफार्मर उतारकर ले जा रहे थे, उससे किसान परेशान थे। सरपंच संघ ने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा, किसानों को 1 महीने समय देने की बात कही। सरपंच संघ की बात भी मान ली गई। यदि किसान 15 मास तक भी बिल जमा नहीं कराते हैं तो बिजली विभाग कार्रवाई कर सकता है। ज्ञापन सरपंच संघ अध्यक्ष अर्जुन सिंह गोड़ के सानिध्य में दिया गया। पेड़ावा कोटली मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की भिड़त में 3 लोग घायल हो गए। पेड़ावा कोटली मार्ग पर शिव मंदिर के समीप 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार हरनावदा कोटा निवासी ईश्वर सिंह पिता करण सिंह, बापू सिंह पिता हरि सिंह एवं सिलोरी निवासी बापूलाल पिता कालू राम मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से पीड़ावा चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पीड़ावा पुलिस चिकित्सालय पहुंची। पीड़ावा क्षेत्र के गदनखेड़ी गांव की नई आबादी में मधुमक्खियों ने हमला कर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को निशाना बनाया। ग्रामवासी गोवर्धन दांगी ने बताया कि गदनखेड़ी गाँव की नई आबादी में स्थित इमली के पेड़ पर लगे शहद के छत्ते से अचानक मधुमक्खियों ने आबादी के लोगों पर हमला कर 2 दर्जन से अधिक लोगों को काट लिया, जिससे गंभीर घायल हुए कमलाबाई पत्नी हजारीलाल दांगी, विकलांग राम बाबू पुत्र शिवनारायण दांगी व राधा किशन की पुत्री को पीड़ावा चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार किया गया। पीड़ावा क्षेत्र के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय
सरों ने या धरों ने हमें भारत सरकार द्वारा दी गई अटल टिकरिंग लैब में कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को अभ्यास कराया गया। विद्यार्थियों को अभ्यास करवा रहे अध्यापक गिरिराज पाटीदार, पवन पाटीदार, उमाशंकर कारपेंटर ने बताया कि विद्यालयों को 3 वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा अटल टिकरिंग लैब दी गई थी, जो कि कोरोना की वजह से विद्यालय नहीं खुलने के कारण बंद थी, जिसे इस वर्ष पूर्ण रूप से चालू कर दी गई है। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को भौतिकी प्रयोग सिखाए जा रहे हैं। पड़ावा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटड़ी के कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने झालावाड़ में बल्लभ पित्ती ग्रुप के धागा मिल व संजीवनी हॉस्पिटल का शैक्षणिक भ्रमण कर व्यावसायिक व स्वास्थ्य क्रियाकलापों की जानकारी ली। विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल चिन्मय जैन ने बताया कि विद्यालय में संचालित हेल्थ केयर एंड अप्रेल होम फर्निशिंग व्यावसायिक विषय के अंतर्गत कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को धागा फैक्ट्री श्री वल्लभ पित्ती ग्रुप व संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भ्रमण कराया गया। धागा फैक्ट्री में विद्यार्थियों ने धागा निर्माण की प्रक्रिया व उसके उपयोग को बारीकी से समझा। हेल्थ केयर के विद्यार्थियों ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन लेबर रूम ICU NICU का अवलोकन कर इनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। पिड़ावा क्षेत्र के आदाखेड़ी गाँव में विद्युत करंट से एक युवक की मौत हो गई। SI फरजुल रहमान ने बताया कि मृतक के काका सर्वर निवासी कालू लाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भतीजा जगदीश पिता उदाजी मेघवाल, जो वर्तमान समय में आधाखेड़ी गांव में एक खेत पर मजदूरी का काम करता था, वह बुधवार शाम को खेत पर लगे ट्रांसफार्मर में मोबाइल चार्जर लगाते समय करंट से झुलस गया, जिसे लेकर परिजन पिड़ावा चिकित्सालय पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने धारा 174 में मामला दर्ज किया है। गोरोठ सुबह करीब 11 बजे किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना और प्रकाश त्रिवेदी रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य गोरोठ पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने सरदार पटेल चौराहे पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान संघ ने पदाधिकारियों, सदस्यों, नगर के समाज सेवियों ने सदस्यों ने शहीद चौक पर भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह और प्रकाश त्रिवेदी रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। खबरों फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहे खबर 24 न्यूज। धन्यवाद। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चाहे गणी बड़ी है, हर पल आ सरकार खड़ी है। मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, हिम्मत रख जे मत घबराई, सावचेत रेणे में बड़ाई, इन माही रक्षा सवरी है, हर पल आ सरकार खड़ी है। मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई, मुंडे माथे मास्क लगाई, राखी जे आपस में दूरी, थोड़ा दिन रिया मजबूरी, फिकर करो अब जान री, फिकर करो अब जान री,
खांसी बुखार हुए तो अरसू को खेखार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे कोरोना री जांच कराजे इनमा ही रक्षा सबरी है कदम मिला सरकार खड़ी है मारे राजस्थान री मारे राजस्थान री मारे राजस्थान री मारे राजस्थान री चक्की चल रही कबीर बैठा रोए दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको के माता दाऊ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे आ दूर दे चरा है मामला अब जाओ साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे बन।